की बात तो लो कॉस्ट कैरियर गो फर्स्ट ने क्लीन इश्यू के और फंड की कमी के बीच अगले दो दिनों के लिए नई बुकिंग पर रोक लगा दी है। एयरलाइन की तरफ से डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन को इस बारे में जानकारी दी है। गो फर्स्ट एयरलाइंस ने डीजीसीओ को सूचित कर दिया है कि उनकी सभी उड़ानें 3 और 4 मई को रद्द रहेगी। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि गो फर्स्ट एयरलाइंस के डीजीसीए को सूचित किया है कि अगली उसकी सभी उड़ानें 3 और 4 मई को रद्द रहेगी। इस मामले से वाकिफ लोगों में से एक ने कहा, एयरलाइंस के पास अगले दो दिन के लिए टिकटों की कोई इन वेटिंग नहीं है, इसलिए टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म पर अगले दो दिनों की यात्रा के लिए ताजा बुकिंग उपलब्ध नहीं है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के आंकड़ों के अनुसार एयरलाइंस की मार्केट शेयर एक साल से पहले 9.8% की तुलना में इस साल मार्च में गिरकर 6.9% पर पहुंच गई है। इस बीच गो फर्स्ट फ्लाइट के लिए टिकट बुक कराने वाले लोगों ने सोशल मीडिया पर नाराजगी व्यक्त की है। बार बार होने वाली समस्याओं और पेड एंड वेटनी से इंजिनों को आपूर्ति न होने के कारण गो फर्स्ट को अपने कई विमानों को ग्राउंड करना पड़ा है। एयरलाइंस ने डेलावेयर फेडरल कोर्ट में एक इमरजेंसी याचिका दायर की है, जिसके दो मध्यस्थ निर्णयों को लागू करने की मांग की गई है। इसमें इंजन निर्माता कंपनी को गो फर्स्ट को सेवा योग्य इंजन तुरंत डिलीवरी करने का आदेश दिया गया था। वित्त वर्ष 2022-23 में एयरलाइंस को 1,800 करोड़ रुपए का घाटा होने का अनुमान है। इसके पीछे अंतिम महीनों में इंजन की वजह से कई विमानों के उड़ान न भर पाने को जिम्मेदार बताया जा रहा है। गो फर्स्ट की कई महीनों तक एविएशन मार्केट में 8 से 10% हिस्सेदारी हुआ करती थी, लेकिन मार्च के महीने में यह गिरकर 6.9% रह गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। तो शरद पवार 82 साल के हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार का एक बड़ा नाम है। वैसे देश की राजनीति में भी उनकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साल 1999 में उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी का गठन किया था, यानी पिछले 24 साल में एनसीपी की कमान शरद पवार के पास है, लेकिन अब उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान किया है। तो आइए जानते हैं कि 63 साल के सक्रिय राजनीतिक सफर के बाद शरद पवार कितनी संपत्ति के मालिक हैं। साल 2020 में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते वक्त शरद पवार ने हलफनामे में जो ब्यौरा दिया था, उसके मुताबिक उनके पास करीब 32.73 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। 2020 में शरद पवार के पास कुल 25,21,33,329 रुपए की चल संपत्ति और 7,52,33,941 रुपए की अचल संपत्ति थी, जो कुल मिलाकर 32.74 करोड़ की होती है। अगर कर्ज की बात करें तो चुनावी हलफनामे के मुताबिक शरद पवार के परिवार पर 2020 तक कुल 1 करोड़ रुपए का कर्ज था। शरद पवार के परिवार ने शेयर्स, बॉन्ड और डिबेंचर्स में भी पैसे लगाए हैं। इसके अलावा 3 साल पहले उनके परिवार के पास कुल 88 लाख रुपए के सोने चांदी की ज्वेलरी थी, जिसकी कीमत में आज की तारीख में ज्यादा आंकी जाएगी। उसके अलावा शरद पवार ने चुनावी हलफनामे में बताया था कि उनके नाम पर कोई रजिस्टर नहीं है। हालांकि शरद पवार अक्सर टोयोटा लैंड क्रूजर और लेक्सस LX 570 कार में नजर आते हैं। ये दोनों बेहद ही हाईटेक कार है। टोयोटा लैंड क्रूजर की फिलहाल कीमत करीब 1,30,00,000 रुपए के आसपास है, जबकि लेक्सस LX 570 की कीमत करीब 2,40,00,000 रुपए के आसपास है। ये बेहद लग्जरी कार है। बता दे, आज से 3 साल पहले 2020 में शरद पवार की कुल संपत्ति करीब 32.73 करोड़ रुपए थी। इससे पहले 2014 के चुनाव में उन्होंने जो जानकारी दी थी, उसके मुताबिक 6 साल के दौरान शरद पवार की संपत्ति में केवल 60 लाख रुपए का इजाफा हुआ था। 2014 के चुनाव में शरद पवार ने 20,47,99,970.41 रुपए की चल संपत्ति और 11,65,16,290 की अचल संपत्ति समेत कुल 32.13 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति की घोषणा की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। तो यूपी नगर निकाय चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 4 मई को होगा। नेता वोट की खातिर ट्विटर वार करना शुरू कर दिया है। एक दूसरे पर आरोप लगाने और मतदाताओं को लुभाने का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। यूपी निकाय चुनाव को लेकर सभी दल अपने चुनावी वादों से ज्यादा वोटर्स को अपने पक्ष में करने की कोशिश में है।
साथ ही एक दूसरे की कमियां भी सामने ला रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि उन्हें वोट देने से क्या फायदा होगा और नहीं देने से क्या नुकसान होगा। इस बीच बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट के जरिए निकाय चुनाव मतदान से पहले बड़ा बयान दिया है। मायावती ने विरोधी पार्टियों पर सीधा निशाना साधते हुए मतदाताओं से भावुक अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने गंभीर आरोप भी लगाए हैं। बता दी कि मायावती की पार्टी इस बार भी दलित मुस्लिम वोट बैंक के भरोसे अपनी नैया पार लगाना चाहती है। पार्टी अच्छा प्रदर्शन करने को लेकर काफी गंभीर है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा का प्रदर्शन बहुत खराब रहा था। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि यूपी निकाय चुनाव के तहत 4 मई को होने वाले पहले चरण के चुनाव हेतु हालांकि विरोधी पार्टियों ने शाम दाम दंड भेद आदि अनेक हथकंडों का लगातार इस्तेमाल किया है, लेकिन लोगों को वोट के अपने बहुमूल्य संवैधानिक हक एवं दायित्व के प्रति वफादार एवं ईमानदार रहकर ही वोट डालना है। मायावती ने आगे कहा कि साथ ही इस चुनाव के लिए भी भाजपा एवं अन्य विरोधी पार्टियों ने लुभावने वादे, हवा हवाई बातों तथा कागजी दावे करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन वोटरों को इनके बहकावे में न आकर अपने क्षेत्र के हित एवं विकास के लिए बीएसपी उम्मीदवारों को ही वोट देने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। भारतीय नौसेना को बहुत जल्द खतरनाक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल स्टेरॉयड मिल जाएगा। इस विध्वंसक ने समुद्री ट्रायल शुरू कर दिया है। इस साल के आखिरी महीने में इसे नौसेना को सौंप दिया जाएगा। इसका नाम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई इम्फाल की लड़ाई के शहीदों की याद में रखा गया है। यह पहला जंगी जहाज है जिसका नाम उत्तर पूर्व के किसी राज्य के नाम पर रखा गया है। इसका डिस्प्लेसमेंट 7400 टन है। 535 फीट लंबे इस जंगी जहाज का बीम 57 फीट का है। यह एक डीजल इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाला युद्धपोत है। समुद्र में इसकी अधिकतम गति 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर यह 33 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो इसकी रेंज 7400 किलोमीटर है। 45 दिनों तक लगातार समुद्र में तैनात रह सकता है। इस युद्धपोत पर 50 अधिकारी और 250 नौसैनिक तैनात हो सकते हैं। इसमें 4 कवच डिकॉय लॉन्चर्स लगे हैं। इसके अलावा बेहतरीन रडार और कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम लगा हुआ है। इसमें 32 बराक 8 मिसाइलें, 16 ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल, 4 टॉर्पिडो ट्यूब्स और 2 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स, 7 प्रकार के गन्स होते हैं। ध्रुव और सी किंग हेलीकॉप्टर तैनात है। ये ऐसे युद्धपोत है जिससे लगातार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा इस युद्धपोत पर 21 इंच के 4 टॉर्पिडो ट्यूब्स है। साथ ही 2 आरबीयू 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स भी लगाए गए हैं। इसमें सुरक्षा के लिए डीआरडीओ द्वारा बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शक्ति ईडब्ल्यू सुइट और कवच चेक सिस्टम लगा है। आईएनएस इम्फाल में 32 एंटी एयर बराक मिसाइलें तैनात की जा सकती है जिनकी रेंज 100 किलोमीटर है, या बराक 8 ईआर मिसाइलें तैनात की जा सकती है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है। इसमें 16 एंटी शिप या लैंड अटैक ब्रह्मोस मिसाइलें लगा सकते हैं। इसके अलावा एक 76 एमएम की ऑटो मेराला तोप, 4 एके 603 सीआईडब्ल्यूएस गन लगी है। आईएनएस इम्फाल पर 2 वेस्टलैंड सी किंग या एचएल ध्रुव हेलीकॉप्टर ले जा सकते हैं। इस युद्धपोत में स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर लगे हैं जो दुश्मन के हथियारों का आसानी से पता कर सकते हैं। ये सेंसर्स ऐसे डेक में लगाए गए हैं जिन्हें दुश्मन देख नहीं सकता। इसमें बैटल डैमेज कंट्रोल सिस्टम लगाए गए हैं, यानी युद्ध के दौरान अगर जहाज के किसी हिस्से में नुकसान हो तो पूरा युद्धपोत काम करने बंद न करे। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। तो अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग के झटके के बीच भी अदानी टोटल गैस का कारोबार मजबूती से आगे बढ़ रहा है, तो इसका संकेत इसके वित्तीय नतीजों से मिल रहा है। अदानी कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी कि इसका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 20.7% की उछाल के साथ 97.91 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। हालांकि दिसंबर तिमाही की तुलना में इसका प्रॉफिट 34.8% कम हुआ है। पूरे साल की बात करें तो वित्त वर्ष 2022-23 में मुनाफा 7.28% बढ़कर 546.49 करोड़ रुपए हो गया। ऑपरेशनल रेवेन्यू की बात करें तो यह सालाना आधार पर 12.3% उछलकर मार्च तिमाही में 1,197.31 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। कंपनी ने नतीजों के साथ प्रति शेयर 25 पैसे के डिविडेंड का भी ऐलान किया है। अदानी टोटल गैस के शेयरों की बात करें तो नतीजे से पहले ये मजबूत हुआ है। इसके शेयर करीब 1.5% से उछाल के साथ बंद हुए हैं।
हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी को अदानी ग्रुप की कंपनियों पर स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड का आरोप लगाया था, जिससे ग्रुप ने इनकार कर दिया था, लेकिन शेयर इस झटके को झेल नहीं सके। इस झटके से सबसे ज्यादा अदानी टोटल गैस के ही शेयर टूटे थे। यह 24 जनवरी यानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से 28 फरवरी तक 82.49% टूट कर 3,885.45 रुपए से 680.20 रुपए पर आ गया था। हालांकि इस लेवल से अब तक यह 40.94% रिकवर होकर 958.65 रुपए पर पहुंच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट जीएसटी। सड़कों पर वाहन चलाने के लिए ट्रैफिक नियम बनाए गए हैं। अगर आप नियमों का पालन नहीं करते तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। इन दिनों देश में ट्रैफिक पुलिस काफी सख्त नजर आ रही है। भारत के हर राज्य ट्रैफिक पुलिस यातायात नियमों में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतना चाहती है। जिन वाहनों में किसी तरह का मॉडिफिकेशन किया गया है, पुलिस उन्हें ढूंढ कर चालान काट रही है। ऐसी बाइक्स की दूर से पहचान की कोशिश की जा रही है। बाइक में लगा लाउड साइलेंसर उन्हें हाईलाइट करता है। इन वाहन मालिकों पर 25,000 रुपए तक का चालान किया जा रहा है। इसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने और सजा का भी प्रावधान है। ऐसे में आपने भी अपनी बाइक में किसी तरह का मॉडिफिकेशन करवाया हो तो आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है। हम आपको मॉडिफिकेशन की 3 शर्तें बता रहे हैं, जिससे आपका तगड़ा चालान कट सकता है। बुलेट के शौकीन लोग कई बार अपनी बाइक को ज्यादा स्टाइलिश या ज्यादा टशन दिखाने के लिए उसे मॉडिफाई करा लेते हैं। बाइक ज्यादा शोर कर सके, इसके लिए उसमें ज्यादा साउंड वाला साइलेंसर भी फिट करा लेते हैं। अक्सर रॉयल एनफील्ड बुलेट का इस्तेमाल करने वाले साइलेंसर का क्रेज ज्यादा देखा गया है। इन साइलेंसर को ध्वनि प्रदूषण में काउंट किया जाता है। बता दें कि मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक ऐसा करना गैर कानूनी है, लिहाजा पकड़े जाने पर आपको भारी रकम का जुर्माना लग सकता है। ये जुर्माना 25,000 रुपए तक भी किया जा सकता है। मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक वाहनों में फैंसी नंबर प्लेट का इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। सरकार ने नंबर प्लेट के लिए स्टाइल शीट तय कर दी है। इसके तहत नंबर प्लेट पर सभी अंक साफ तौर पर दिखाई देने चाहिए, फैंसी तरीके से नहीं लिखे होने चाहिए, हमेशा आरटीओ सर्टिफाइड नंबर। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि ईडी की दिल्ली शराब नीति मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद का भी नाम शामिल है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस खबरों को झूठी और मनगढ़ंत बताया है। आप नेता ने कहा, सुबह से जो भी खबर चल रही है वो झूठी और मनगढ़ंत है। मैं साफ करना चाहता हूं कि मेरा नाम ईडी की किसी भी शिकायत में न तो आरोपी के रूप में है और न ही संदिग्ध या गवाह के रूप में कहीं नहीं है। राघव ने खबर को गलत और झूठी बताया और कहा कि ये मेरी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने के लिए दुर्भावनापूर्ण प्रचार का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ईडी की तरफ से दायर की गई किसी भी शिकायत में मुझे आरोपी या संदिग्ध नहीं बनाया गया है। इन शिकायतों में मुझ पर किसी तरह का कोई आरोप नहीं है। ऐसा लगता है कि शिकायत में मेरा नाम किसी बैठक में मौजूद व्यक्ति के रूप में बताया गया है। हालांकि इस तरह के आरोप लगाने का आधार साफ नहीं है। चड्ढा ने आगे कहा, मैं ऐसी किसी भी बैठक के संबंध में या किसी भी तरीके से किसी भी कथित अपराध के लिए जाने का जोरदार और स्पष्ट रूप से खंडन करता हूँ। मैं मीडिया से अनुरोध करता हूँ कि वो कोई गलत रिपोर्टिंग न करे और इस मुद्दे को साफ करे, नहीं तो मैं कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाऊंगा। रिपोर्ट के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय की दिल्ली शराब नीति के मामले की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का नाम भी शामिल किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट जीएसटीवी। तो भारत में बेरोजगारी दर में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आखिर क्या कहते हैं भारत के बेरोजगारी के आंकड़े, देखते हैं इस रिपोर्ट में। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक के मुताबिक अप्रैल में बेरोजगारी बढ़कर 8.11% पर पहुंच गई है। इससे पहले मार्च में बेरोजगारी दर 7.80% पर थी, वहीं फरवरी में ये 7.45% रही थी। अप्रैल में शहरी बेरोजगारी 8.51% से बढ़कर 9.81% हो गई। हालांकि अप्रैल में ग्रामीण बेरोजगारी में मामूली गिरावट देखने को मिली, यह 7.34% हो गई, जो एक महीने पहले 7.47% थी।
बीते साल यानी कि 2022 में तीन बार बेरोजगारी दर 8% के पार निकली थी। फरवरी में ये 8.10%, अगस्त में 8.28%, नवंबर में 8.3% और दिसंबर में 8.30% रही थी। वहीं सबसे कम बेरोजगारी सितंबर में थी, तब बेरोजगारी दर 6.43% पर आ गई थी। दिसंबर में बेरोजगारी दर 8.11% रहने का मतलब यह है कि काम करने को तैयार हर 1000 वर्कर में से 81 को काम नहीं मिल पाया। CMIE हर महीने 15 से अधिक उम्र के लोगों का घर घर जाकर सर्वे करता है और उनके रोजगार की स्थिति की जानकारी लेता है। इसके बाद जो परिणाम मिलते हैं उनसे रिपोर्ट तैयार की जाती है। CMIE के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था की सेहत को बेरोजगारी दर सही तरह से दर्शाती है, क्योंकि यह देश की कुल जनसंख्या में कितने बेरोजगार हैं इसको बताती है। थिंक टैंक को उम्मीद है कि रबी फसल की बुआई की शुरुआत में तेजी देखने को मिल सकती है। इसका मतलब है कि चालू वित्त वर्ष में एग्री सेक्टर एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करेगा। इसके प्रवासी मजदूर खेतों की ओर वापसी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।